आयशा उमर ने इंडस्ट्री में इस वक्त शुरुआत की जब वो बहुत छोटी थी। वो छोटी सी सीरीज में इस वक्त नमूदार हुई जब वो सिर्फ एक तालिबे इलम थी और बाद में एक मारूफ खातून और फैशनिस्ता में तब्दील हो गई, जिसे आज हम सब जानते हैं। इसने इंडस्ट्री में तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं और आज आयशा उमर पाकिस्तान की कामयाब और खुद मुख्तार खवातीन में से एक हैं, जो अपने शोबे की बेहतरीन नुमाइंदगी करती हैं। आयशा उमर सनम जंग के साथ शुएब अख्तर के आने वाले शो में मेहमान थी और अदाकारा ने इंडस्ट्री में नए और आने वाले अदाकाराओं के लिए बहुत अच्छा मशवरा दिया। उनका कहना था कि बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो इंडस्ट्री में काम करने आती हैं और बादुकात इन्हें खुद ही झूठ बोलना पड़ता है, और इनके लिए इनका पहला मशवरा ये होगा कि वो अपार्टमेंट की इमारतों में रहें। उन्होंने मज़ीद कहा कि घरों में रहना महफूज नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हालात क्या हैं, और बताया कि किस तरह एक नई अदाकारा की गाड़ी टूटी जब वो घर में अकेली रहती थी। उन्होंने ये भी बताया कि ख्वातीन को हर काम खुद करना सीखना चाहिए और दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह इनका काम कभी मुकम्मल नहीं होता। उन्होंने सनम जंग के साथ ये भी बताया कि आपकी अपनी ज़िंदगी के मसाइल को शेयर करना आपके लिए काम की जगह पर मसाइल का बाइस बन सकता है, क्योंकि लोग इन लड़कियों का इस्तेसाल करना पसंद करते हैं जिनकी ज़ाती ज़िंदगी में मसाइल चल रहे हैं। तमाम नौजवान अदाकाराओं के लिए आयशा उमर का यही मशवरा है। अनमो टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूले। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें।